अरे खड़ौजा खा जाएगी, खड़ौजा खा जाएगी, खाएगी खाएगी। रावी के 2 या 3 दांत टूट गए, 4 दांत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज मंदिर वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है, जो रामायण पाठ है वो है, उसके बाद प्रसाद है, तो वहीं पे चलेंगे अभी हम। पीछे जो हवन चल रहा है और जो हलवाई है वो अभी जो प्रसाद है वो बना रहे हैं। मंदिर वाले एरिया में जो अमरूद का पेड़ है वहाँ पे काफी अमरूद लगे हुए हैं, तो बच्चे उसमें लगे हुए हैं। दोस्तों जो पूजा काम है वो कंप्लीट हो गया है। प्रसाद से पहले क्या 7 कन्या को पहले भोजन खिलाएंगे, उसके बाद बाकी लोग खाएंगे। मैं क्या मंदिर से थोड़ी दूर खेत में आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफी तेज शोर है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो चलिए मंदिर चलते हैं। रियान मेरे साथ यहीं पे आ गया, ये देखिए रियान, हाय करो, इधर देखो, हाय कर दो, हाय हाय करो। तो अभी मैं घर जाऊंगा, कैमरा रखूंगा और उसके बाद दोबारा से आऊँगा, थोड़ा सा काम कराएंगे यहाँ पे, क्योंकि जो बड़े बैठे हैं बड़े बुजुर्ग उनको खाना खिलाना है, तो इसलिए मैं कैमरे को अभी रख देता हूँ और आपको शाम को मिलता हूँ। रियान देखिए मुन्नी के साथ खेलता रहता है। रियान हाय करो, हाय, इधर देखो। हाय रियान, ये कौन है? मुन्नी। रियान की है ये, हट जाओ हट जाओ, रियान की है। रियान आप गोदी में ले लो, इसको गोदी में ले लो, गोदी में ले लो, नहीं आ रही ना ले वे। माटी मत खिला दिए ने, पंगा हो जाएगा। नहीं भाया, ऐसी गलती ना कर दे वो, पानी मत घेरिए, अपना पीले जो पियो वो जो पियो। यो, यो या 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 मुन्नी रानी, मुन्नी रानी, मुन्नी पानी पी ले ना पीवे। अरे खड़ौजा खा जाएगी, खड़ौजा खा जाएगी, खाएगी खाएगी। रावी के 2 या 3 दांत टूट गए, 4 दांत, 4 दांत टूट गए। मुन्नी खड़ी होगी भाई, भाग्या 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 भाग्या। देखिए गेट यहाँ पे लगाया था ना, अब इसको भी रियान खोल के ऊपर आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉक मैंने लगा दिया। मैं तो इसी ऊपर से चला जाता हूँ। बाल जो है मेरे वो थोड़े से आपको छोटे दिख रहे होंगे, बाल मैंने थोड़े थोड़े छोटे करा दिए हैं। अभी क्या है, इस टाइम पे सेप्टेम्बर चल रहा है, तो इस मंथ में क्या है, जो खेत में जो बाजर है उसकी जो लावणी जो बोलते हैं वो होगी, यानी इनकी कटाई होगी, उसके बाद इनको थोड़ा सुखाएंगे और फिर उनको जो है मशीन के थ्रू निकलाएंगे बाजरा। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाजरे का जो सीट है वो कैसा होता है। पहले हम छोटे से हम क्या करते थे, जो आग जलाते थे, आग जला कर जो इसका भुट्टा है यानी कि जो बाजरे का सीट है उसको भूनते थे और उसको खाते थे। ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से मेरे दोनों साइड जो खेत है, यानी कि एक खेत हमारा ही है, हमारे जो पड़ोस में जो घर है उनका है, तो दोनों खेतों में जो है बाजरा लगा हुआ है। और जो चाचा जी है उन्होंने इस बार के जो कपास है वो लगाई है, कपास यानी कि जो कॉटन है वो कैसे निकलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ आज। और इसके पीछे काफ़ी मेहनत करनी होती है, कपास में काफ़ी मेहनत है, लेकिन इसकी जो अर्निंग होती है, इससे जो मुनाफा है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो मैं आपको कपास का खेत और दिखाता हूँ। तो अभी हम मंदिर वाले एरिया में आ गए हैं, चलिए।
तो ये चाचा जी खेत है जो कपास का है, और इसमें फूलों का जो आपने देखा है कलर क्या होता है, पहले येलो होगा और बाद में क्या थोड़ा पिंक कलर का हो जाता है, और उसके बाद इसके अंदर जो फ्रूट लगता है उसके अंदर जो कॉटन है वो बनती है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे जो कॉटन है वो निकलती है। देखिए पहले इसका कलर जो है वो ऐसा होता है, बाद में ये कुछ इस तरह का हो जाता है। इसके बाद उसमें देखिए इस तरह से जो है फ्रूट बनेगा, जैसे कि ये फूल है, यहाँ से ये फूल गिरने के बाद ये छोटा सा यहाँ पे देखिए फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद इतना बड़ा होगा और धीरे धीरे ये बड़ा होता चला जाएगा, ये इतना बड़ा होगा। बाद में फ्रूट इस तरह से जब पक जाते हैं उसके बाद ये इस तरह से खुल जाता है देखिए, और ये जो हिस्सा है इसका ये कॉटन है, ये देखिए इस तरह से इसमें से जो कॉटन है वो निकलती है। इसके अंदर भी जो सीड्स हैं वो होते हैं, बाद में क्या है इन सीड्स को अलग कर लिया जाता है मशीन से, और जो कॉटन है उसको अलग कर लिया जाता है। और इसके जो सीड्स होते हैं वो किस काम आते हैं, जो भैंस जो होती है उसके चारे के लिए यूज़ होता है। इससे क्या है जो भैंस का जो दूध होता है उसमें जो घी की मात्रा है वो ज़्यादा बनती है, तो इसलिए भैंस को ज़्यादा खिलाए जाते हैं। भैंस से याद आया, मैंने आपको जो भैंस है मेरी वो नहीं दिखाई, तो चलिए शायद इस टाइम पे उसका जो दूध है वो निकाल देंगे, तो वो और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर अभी जो दूध है वो निकाल लिया होगा तो मैं आपको जो है वो बाद में दिखाऊंगा, और कैसे मक्खन निकालते हैं पहले कैसे निकालते थे वो सब भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी वापस घर चलते हैं। अभी चाचा जी बता रहे थे पीछे जो गाय है जो आवाज़ कर रही थी वो इसलिए कर रही थी, उसको दूध निकालने का जब टाइम होता है तो वो ऑटोमेटिक ऐसे आवाज़ लगाने लगती है। तो आज जो चाची जी है वो लेट हो गई दूध निकालने के लिए, इसलिए वो चिल्ला रही है। लास्ट ईयर सितंबर में भी अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन इस बार जो बारिश है वो बहुत कम हुई है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मामा एडवेंचर मेरा यूजर आईडी है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।